हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 में ऐप को रीसेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो उसके लिए हमको देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको टाइप करना है APP ऐप और ऊपर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा ऐप सॉरी ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये ऐप एंड फीचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए ये सारे ऐप हैं जो आपके मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से मान लीजिए किसी भी ऐप को आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर हुआ, इस पर हम ले लेते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको कई ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एडवांस ऑप्शन, मूव इज अनइंस्टॉल। ठीक है, तो हमें क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पे, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर से रिलेटेड एडवांस यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे चलिए और यहाँ देखिए ये है रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इफ दिस ऐप इज नॉट वर्किंग राइट रीसेट इट, द ऐप डाटा विल बी डिलीटेड। अगर आप रीसेट करते हैं इस ऐप को तो इससे इसमें जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। जब आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से भी आपसे पूछेगा, ही देखिए दिस विल परमानेंटली डिलीट ऐप डाटा, ये ऐप का जो डाटा होगा परमानेंटली डिलीट कर देगा। तो ये ध्यान रखने के बाद ही इसको रीसेट करिएगा।